दोस्तों 3:51 हो गई है, मार्केट अभी 21 मिनट पहले बंद हुआ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। आज मैंने तो बोला था 17,300, लेकिन आज नहीं दिखा, लेकिन मेरा टारगेट मंगलवार तक का 16,990 तक का है, 17,000 या 16,990 जो भी है वो आना ही है। और आज भी आपने देखा कि मार्केट ने आज भी ट्रैप किया, मैं अभी समझाऊंगा अभी। लेट मी शो यू द मार्केट फर्स्ट। ये देखिए मार्केट आज क्या हुआ, 661 तक गया था, लास्ट में ट्रेड कहाँ कर रहा है, 558। कल की क्लोज से भी काफ़ी नीचे, कल की क्लोज था 592 फ्यूचर में, मैं फ्यूचर की बात करूँ, और लो से नज़दीक कर रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं फेवर में बीयर्स के था। ठीक है, सेम इज़ द केस, थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अच्छा था। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ इसमें क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वेरी सिंपल, आपको मैं पहले लिखा देता हूँ। ये उस मंगलवार का हाई लो है, जो हम लोग अगर लिख ले ट्यूसडे का, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको बहुत इजी लॉजिक से समझाता हूँ, आपके ज़िंदगी भर काम आएगा ये। ट्यूसडे हाई 17,777, जिसके ऊपर मैंने वीकली क्लोज के लिए भी स्टॉप लॉस बोला था, आपको याद होगा। ट्यूसडे लो 17,401, ठीक है। तो ये टोटल, इन टोटल 376 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो 188 पॉइंट्स होता है, और इसको 401 में, 17,401 में प्लस कर दोगे तो ये होता है 17,589। बहुत इम्पॉर्टेंट था 17,589 मंगलवार के बाद। अगर मंगलवार के बाद किसी भी दिन मार्केट 17,589 के नीचे क्लोज करता है और उसके अगले दिन भी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो ये जो, पहले तो यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। देखिए मंगलवार को क्या बना था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मारुबुजू कैंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक मारुबुजू कैंडल, ठीक है। मारुबुजू कैंडल यानी कि जिसमें वीक लगभग, जो लोअर वीक और अपर वीक लगभग नहीं के बराबर होती है, जिसकी ओपनिंग ही उसका लगभग लो होता है और जिसकी क्लोजिंग ही लगभग उसका हाई होता है। तो देखते हैं मंगलवार को क्या हुआ था। तो मंगलवार की ओपनिंग थी 414 और मंगलवार का लो था 401, यानी कि ओपनिंग और लो लगभग सेम। मंगलवार का हाई था 777, मंगलवार की क्लोज थी 760, तो लगभग हाई और क्लोज भी सेम, ओपनिंग और लो भी लगभग सेम, तो ये मारुबुजू थी। अब इसका 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट उसके अगले दिन इसके 50% के नीचे क्लोज कर दे तो कहीं ना कहीं ये मारुबुजू का फेलियर होता है। इसको क्या बोलते हैं? फेलियर। लेकिन एक कन्फर्मेशन कैंडल और बननी पड़ती है अगले दिन, जो हमको बताती है कि ये रियल में फेल हो गया। ये टेक्निकल का मैं पूरा नियम कानून के साथ समझा रहा हूँ। तो इसके बीच की लाइन होती है 17,589, ठीक है। अब दोनों दिन क्या हुआ, गुरुवार और शुक्रवार, क्योंकि बुधवार को छुट्टी थी गणेश चतुर्थी की। तो आप देखिए बुधवार को कहाँ क्लोज हुआ, 589 के नीचे क्लोज हुआ कि नहीं, 542, ओके। और आज कहाँ पे क्लोज हुआ, 539। तो दोनों दिन हमने इसके नीचे क्लोज किया, 589 के नीचे दोनों दिन क्लोज किया। इसका मतलब जो ये लो बना था मंगलवार का, ये तो 1000% टूटेगा, 1000% टूटेगा, 1000%। ये टेक्निकल का नियम से बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों दिन मार्केट 589 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया इन स्पाइट ऑफ क्लोजिंग एट 759। 589 कहाँ से निकाला, इसका मिड पॉइंट हाई और लो का डिवाइडेड बाई 2, और उसको 17,401 में ऐड कर दो। ये क्लियर निकल गया आपको कि ये वीकनेस दिखा दिया मार्केट। अब वीकनेस कहां तक लेके जाएगी, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। वीकनेस क्लियर कट बोलती है कि अब जैसे ही ये टूटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही टूटेगा ये लेवल, तो हमको
एक मिनट मैं इसको क्लियर करके दिखा दूँ, अब तो हो गया, इसको तो छोड़िए। अब वीकनेस कहाँ तक होगी उसका कैलकुलेशन भी हम लोग खुद ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बनाते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है, इस कैंडल से बन गया। अब जैसे ही ये लो टूटेगा मंडे को, ध्यान दीजिएगा कहाँ तक का मिनिमम टारगेट होता है, कैसे निकालते हैं, 17490 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, 17490 नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आपको 17490 माइनस 376 मिनिमम टारगेट, 17490 माइनस 376 इज योर मिनिमम टारगेट। कब तक, मंगल या बुध तक। तो कितना होता है 17490 माइनस 376 कितना होता है देख लेते हैं, 17496 माइनस 376 17120, ये आपका मिनिमम टारगेट कितना होगा 17120। ये बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एट एनी कॉस्ट, ये मंगलवार तक या बुधवार तक मैक्स, मतलब जो 8 तारीख की एक्सपायरी है उसमें ये डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा, ये मान के चलिए, जैसे ही मंडे को 490 टूटेगा, हो सकता है मंडे को ही देखने मिल जाए, मैं ये नहीं बोल। इसको आप लोग बड़े बड़े अक्षर में नोट कर लीजिए अपनी अपनी डायरी में, ये आना ही है। कैसे निकाला ये टारगेट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसका जो हाईएस्ट विड्थ है ये कैंडल है जो कि 376 पॉइंट की कैंडल, इसके नीचे आते इतना करेक्शन मिनिमम आएगा। अब 120 का मतलब क्या होता है कि ये जो लो था 166 का वो टूट गया, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं टारगेट्स आगे के क्या बता रहा हूँ। ये जो लो था 166 का वो टूट जाएगा अगर 120 आता है, तो इसका मतलब पहला टारगेट बनेगा आपका ये 50 EMA जो कि 17054। तो आफ्टर 120 क्या टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 17050, थर्ड टारगेट, अब थर्ड टारगेट कैसे निकालेंगे, थर्ड टारगेट हम लोग निकालेंगे बाय ये जो रैली हुई उसका 38.2% करेक्शन निकाले तो ये आता है थर्ड टारगेट, थर्ड टारगेट विल बी, ये सब आपको 8 तारीख की एक्सपायरी के पहले पहले गारंटी वारंटी कुछ भी समझ लीजिए मिल जाएंगे, 16918। ये बस इतना सा ही वीडियो है लेकिन सब कुछ बोल दिया गया। अब जब तक मार्केट 17777 के ऊपर क्लोज नहीं करे जो कि हाई था, तब तक मार्केट यही टारगेट्स दिखाएगा, 100 में से 99.999% कन्फर्म। पूरा लॉजिकली आपको समझा, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई तुक्का मार के बोला ये टारगेट्स, पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देके मैंने आपको बताया क्यों आएंगे ये। ये 16918 वाला आपने समझा, ये जो रैली हुई 2809 पॉइंट की फ्रॉम 15183 15183 टू 17992, इसका 38.2% निकाल लीजिए 2809 का और उसको माइनस कर दीजिए 17992 से, तो आपका 16918 ही आएगा। तो तीनों टारगेट कैसे निकाला वो आपको मैंने लॉजिकली यहीं पे एक्सप्लेन किया, यानी कि फ्री में आपको बहुत कीमती चीज़ें बता दी, लेकिन इसमें कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, आई वॉन्ट एवरी वन टू लर्न, किसी के पास पैसे दे के लर्न करने का, किसी को नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, मैं ऊपर किसी भी हालत में नहीं देख रहा हूँ मार्केट को, बिफोर टू ऑफ दिस थ्री टारगेट अचीव्ड, मिनिमम दो टारगेट अचीव होगी ये मेरा वादा है। देखिए कल मैंने बोला विदाउट चार्ट वार्ट देखे, क्योंकि कल मैं पूजे के मामले में तो मुझे जो डाटा दिखा था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया था, डाटा क्या दिखा था मैं आपको बता भी देता हूँ, वो डाटा भी क्लियर कट सजेस्ट कर रहा था, चलिए उसका भी आज एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कल मैंने इतने झट से क्यों बोला, लेट मी टेल। चलिए 2 मिनट लगेगी,
ये डाटा मैंने कल देखा था, तो इसके भरोसे आपको बोला था मैंने, क्या इस डाटा के भरोसे बोला था कि देखिए यहाँ पे कल क्या हुआ, क्लाइंट ने सडनली एक ज़बरदस्त बुलिश पोजीशन बनाई, स्टॉक फ्यूचर में 27,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, इंडेक्स फ्यूचर में 35,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, इंडेक्स कॉल में 29,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए लगभग 30,000, इंडेक्स पुट में 350,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए, पुट सेल किए इतने ज़बरदस्त, ठीक है। इसके अगेंस्ट में FIs को देखिए आप, कल स्टॉक फ्यूचर्स के 52,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, इंडेक्स फ्यूचर के 47,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, इंडेक्स कॉल के 53,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए और इंडेक्स पुट के भी 16,000 सेल किए। ये थोड़ा सा बुलिश होता है। तो अब इनकी जो नेट पोजीशन में इफेक्ट आया था, देखिए यहाँ पे ये कल तक की बता रहा हूँ, तो दो दिन पहले, कल से दो दिन पहले क्लाइंट के पास 67,000 नेट बाई था इंडेक्स में, और वो कल की डेट में 98,000 हो गया। आज का डाटा तो रात को आएगा, तो ये अपने आप में बताता है कि क्लाइंट मौत के कुएं में खड़ा है, इनकी मौत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी बुरी मौत, फांसी से भी बुरी मौत होती ना, वो वाली है, निश्चित है इस डाटा को देख के। बोल सकते अब यहाँ पे FIs को देखिए आप, FIs के दो दिन पहले 32,000 शॉर्ट थे, एक दिन पहले 13,000 और कल की डेट में 60,000 शॉर्ट हो गए। जहाँ ये 98,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट 500 शेयर का भी हो सकता है, 5,000 शेयर का भी हो सकता है और 50 शेयर का भी हो सकता है, 50 के मल्टीपल्स में कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 98,000 कॉन्ट्रैक्ट, 98,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके भाई थे, वेरस FIs के कल के डेट में 60। तो यहाँ आज मार्केट किसी भी हालत में ऊपर टिकने वाला नहीं था, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैंने कल बोला था, बाकी मैं कल चार्ट वार्ट देखा भी नहीं था। अब वहाँ पे देखिए, इसके अलावा इंडेक्स कॉल में क्या हुआ, क्लाइंट ने, जहाँ क्लाइंट दो दिन पहले 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थी, वहीं कल 78,000 शॉर्ट में आ गए इंडेक्स कॉल में। और FIs 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट से घट के 98,000 में आ गई। तो ये न्यूट्रल बोल सकते हो, नॉट निगेटिव नॉट पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पुट में देखिए, पुट में दो दिन पहले, कल से दो दिन पहले, आज से नहीं, कल से दो दिन पहले क्लाइंट के पास 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, डे बिफोर यस्टरडे इन्होंने 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस कर लिए उसकी जगह, और कल ये 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट माइनस आ गए। ये 1,00,000 भी माइनस हो गए, इसके अलावा नेट में 2,46,000, यानी कल इन्होंने 3,49,000 कॉन्ट्रैक्ट, 3,49,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल मार दिए पुट के। पुट सेल मतलब आप तेजी में। तो यहाँ मुर्गा आ गया गिरफ्त में। अब इस मुर्गे की कितनी टांग कटेगी, कितनी हड्डियाँ टूटेगी, पता नहीं मुझे। मुझे तो 16,500 भी दिखता है शुक्रवार तक, शुक्रवार तक, ठीक है, 16,500-600 तक दिखता है। तो ये सब, लेकिन मैंने जो टारगेट्स दिया आप उस पर चलिएगा। तो ये क्लियर कट मुझे कल बता रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जोश में बोल दिया, प्लस गणपति जी की पूजा। मगर आपको वो उससे भी काफ़ी नीचे आएगा, मैं तो 17,300 आज के लिए बोला था, उससे काफ़ी नीचे आएगा, जो मैंने अभी साबित कर दिया। तो लेट अस सी आज के क्या डाटाज आते हैं, ऑल डिपेंड। लेकिन फिलहाल इतना मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे मार्केट का एक बार ज़बरदस्त सोम मंगल ज़बरदस्त करेक्शन लग रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स की भरमार लगाइएगा, कल एक और वीडियो लाऊंगा अगर लगा तो।